बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा मुख्यालय की बैठक में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं बीजेपी 26 जनवरी को पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। आज पूरे राज्य में मतदाता सम्मेलन आयोजित होंगे, जिसमें तमाम बीजेपी नेता शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फरवरी में बीजेपी गांव चलो अभियान भी शुरू करने वाली है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा मुख्यालय की बैठक में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। इसके साथ ही हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, आखिर क्या कुछ बीजेपी की तरफ से तैयारी देखने को मिली है? अवनीश जी, जी बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस तरीके से अगर बात करें 2024 का जो है वो चुनावी बिगुल बजने की पूरी तरीके से तैयारी है। कभी भी जो है फरवरी के अंदर जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि सूचना जारी हो सकती है, इसको लेके तमाम पार्टियां जो है अपने अपने जो है यहाँ पे अपने जो दल है उनका जो है अंतिम रूप देने की तैयारियां कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। उसी जो एवज में जो है यहाँ पे जो भाजपा है, भाजपा मुख्यालय में कल जो है यहाँ पे देर रात तक बैठक चलती रही, मंथन चलता रहा, उसको लेके इन्होंने जो है यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बैठक का जो अंतिम रूप जो निर्णय है वो यहाँ पे लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो है अंतिम रूप दे दिया है उसको। और इसी कवायद में यहाँ पर जो है यहाँ पर अब 26 जनवरी को जो है यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी पूरे उत्तराखंड के अंदर, और फरवरी के अंदर जो है गांव चलो अभियान जिसके तहत यहाँ पे जो है नए मतदाताओं को जो है यहाँ पे अपने साथ जोड़ने की बात की जा रही है। उसके साथ ही यहाँ पे जो मतदाता सम्मेलन है वो यहाँ पे मतदाता सम्मेलन जो है आज जो है यहाँ पे मतदाता सम्मेलन किया जा रहा है। जी अवनीश, इसके अलावा बीजेपी के अलावा मतलब अन्य पार्टियों की क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर? यहाँ पे अगर हमारी बात करें, जिस तरीके से विपक्षी दल की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, यहाँ पर कल जो है देर रात जो है करण महाराज जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने यहाँ पे तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ बैठक की है, मंथन किया है। यहाँ पे जिस तरीके से रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव जो है जीता जाए सभी गठबंधन को साथ लेके, तो तमाम चीजों पे यहाँ पे अब जो है विपक्षी पार्टियां भी ने पूरी कमर कस ली है। बहुत शुक्रिया अवनीश जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता जी जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दी कि देहरादून के अलावा मतलब पूरे उत्तराखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, और जब भाजपा मुख्यालय की बैठक में रणनीति तय की गई तो कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है, और जिसमें जानकारी भी सामने निकल कर आई है कि बीजेपी 26 जनवरी को पूरे राज्य में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। और आज बात की जाए तो आज पूरे राज्य में मतदाता सम्मेलन आयोजित होंगे, वहीं फरवरी में बीजेपी गांव चलो अभियान भी शुरू करेगी।